चैनल आप ही श्रीवास्तव। जैसा कि लॉकडाउन का होमवर्क आप इस चैनल पर देख सकते हैं, तो आज का बच्चों का होमवर्क होगा इन मैथ। मैथ में आज बच्चों को हम लोगों ने ऐड दिया है। पहले हम लोगों ने बच्चों को ऐड सिखाया था, वो भी ऑब्जेक्ट से सिखाया था, जहाँ बच्चों ने ऑब्जेक्ट से ऐड करके बहुत अच्छे से बच्चे राइट कर ले रहे थे। आज हम बच्चों को ऑब्जेक्ट्स में नंबर के साथ बच्चों को ऐड करना सिखाएंगे, तो कुछ इन दिस टाइप। आपको अभी तक मैं बता देना चाहती हूँ कि हम लोगों ने नर्सरी के सिलेबस में एलकेजी के सिलेबस में बच्चों को अभी तक हम लोगों ने व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू एंड मोर देन लेस देन एंड क्या क्या करवा चुके हैं हम लोग, नंबर्स नेम, बच्चों को काउंटिंग करा चुके हैं, एडिंग करा चुके हैं। अब हम बच्चों को क्या कराने वाले हैं, ऐड करना। तो अब आप किस तरह से बच्चों को ऐड कराएंगे, जितना भी मैं यहाँ पर टीच करती हूँ वो सब बच्चों के सिलेबस से रिलेटेड है। तो आप यहाँ पर वरीड होने की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा कि मेरा बच्चा वो सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। यहाँ बच्चे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर वर्कशीट्स मैं यहाँ रेडी करती हूँ। तो आज का बच्चों का हम लोग इस तरह से मैथ टीच करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर पिक्चर्स मेक किए हैं। अगर आपको पिक्चर्स मेक नहीं करने आते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप स्टैंडिंग लाइन का भी तो यूज़ कर सकती हैं। आप स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कर दीजिए, आप सर्कल मेक कर सकती हैं, आप ट्राइंगल मेक कर सकती हैं। आप अपनी ड्राइंग को सिंपल ड्राइंग, आपको जितनी भी ड्राइंग आती है, जैसी भी आती है, उस ड्राइंग को बना करके बच्चे को इस वर्कशीट को आप कराएंगे तो बच्चे को भी बहुत ईजी होता है। हमें बच्चे के लिए ईजी करने के लिए हमें ड्राइंग बनानी पड़ेगी। देन इसी तरह से मैंने देख लीजिए 1 2 3 यहाँ पे 3 पेन मेक किया है, तो आप यहाँ पर 3 राइट करेंगे। नीचे कितना पेन है, 1, तो बच्चा यहाँ पर 1 राइट करेगा। अब बच्चे को इसे हम ऐड का साइन लगा देंगे, यहाँ आप बच्चे का ऐड को सिंबल लगाएंगे। फिर अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो 1 2 3 और फिर इस पेन को मिलाया तो क्या हो जाएगा, इस पेन को हम 3 के साथ 1 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। इसी तरह से 2 एंड 2 पर है, 2 एंड नीचे है, तो 1 2 2 1 2 2। अब कितना होगा, हम इसे ऐड करेंगे 1 2 3 4, हियर इज 4। और ऐड का साइन लगाना फॉरगेट नहीं कीजिएगा आप लोग। इसी तरह से आप हट का, फिश का, बॉल का, कैंडल का, कैंडल्स का, मैंगोज, लाइट्स, फ्लावर्स, केक, एग, डक, इन दिस टाइप आज बना करके बच्चों को आप इस तरह से ऐड कराएंगे, क्योंकि एलकेजी के बच्चों को ऐड भी आता है। तो अब हम बच्चों को ऐड करना सिखाएंगे कुछ इन दिस टाइप इजी वर्कशीट्स बनाकर। नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। पहले मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ कि मेरा भी बच्चा एलकेजी में स्टडी करता है, मैं भी उसको आप लोगों को वीडियो बनाने के बाद अपने बच्चे को उसको टीच करती हूँ, तो कुछ इन दिस टाइप मैं इस तरह से कराती हूँ उसको। देखिए वो भी कर लेता है, तो मैं इसे साइन करती हूँ, ये देखिए। तो ये यस्टरडे का होमवर्क था, तो जो कि मैंने उसको आज चेक किया है, जिसमें सिग्नेचर पे आप देख सकते हैं। आज बच्चों को मैंने बबल साउंड ओ कराया है, तो बॉबल साउंड ओ, जैसे कि हम लोगों ने बॉबल साउंड ए ई आई हम लोग बच्चों को टॉट कर चुके हैं, अब हम बच्चों को बॉबल साउंड ओ कराएंगे। तो आप कुछ इन दिस टाइप काउ की स्पेलिंग, बॉय की स्पेलिंग, डॉग की स्पेलिंग, डॉल की स्पेलिंग, फ्रॉग की स्पेलिंग, आयरन की स्पेलिंग बच्चे को देख करके राइट करना होगा, लर्न करके, ओके। इसी तरह से लॉक की स्पेलिंग, बुक की स्पेलिंग, आउल की स्पेलिंग एंड टॉय की स्पेलिंग लर्न करके राइट कराएंगे आप लोग आज इसे। तो ये रहा इंग्लिश का होमवर्क। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में बच्चों को आज हम लोग 2 और 3 वर्ण वाले, आप सोच रहे होंगे 2 और 3 वर्ण वाले, कई दिनों से मैम यही होमवर्क दे रही हैं, इसलिए होमवर्क दे रहे हैं कि जब मैं डिक्टेशन कराने जाती हूँ तो देखती हूँ डिक्टेशन कराने में बच्चा रॉन्ग करता है। मैं नहीं चाहती कि जब तक वो अच्छे से सीखे ना और तब तक हम आगे ना बढ़ें। अब वैसे भी एलकेजी के बच्चों को सिर्फ 2 और 3 और 4 ही वर्ण सिखाने ही हैं हमें, तो हम तो वैसे भी बहुत फास्ट चल रहे हैं, हम लोग 3 वर्ण वाले पे आ गए हैं, तो आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर हम लोग जब तक अच्छे से बच्चे 2 वर्ण वाले और 3 वर्ण वाले अच्छे से सीख नहीं लेते हैं, तब तक हम 4 वर्णों वाले पर नहीं जाएंगे। और बच्चों को पहले इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करा लेंगे कि कोई भी शब्द बच्चों से बोला जाए बच्चे तुरंत राइट कर ले, जैसे नहर है, भंवर है, आप कोई भी 3 अक्षर बच्चों को बोले और वो तुरंत राइट करके दे दे, तब समझ लीजिए कि बच्चे को अच्छे से 2 और 3 वर्ण वाले अक्षर आ चुके हैं। तो अब हम बच्चों को इसीलिए राइटिंग देंगे, मदन पढ़ रट मत, मदन हट मत कर,
समझ समझ कर पढ़, नहर पर मत टहल। ऑलवेज रिमेंबर, छोटा छोटा राइट करके आप कहें कि बच्चों छोटा छोटा राइट करो तो उसकी राइटिंग इम्प्रूव नहीं होगी। आपको इसी तरह से अक्षर को बड़े बड़े राइट करेंगी तो आपके बच्चे की राइटिंग ज़्यादा जल्दी से जल्दी इम्प्रूव होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए और प्लीज़ 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 लाइक किया कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।